उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड चलाए जाने पर बात करने के लिए बैठे हैं, और यहाँ हमारे साथ बख्तियार यूसुफ एडवोकेट हाई कोर्ट, जो कि एमयू अलीगढ़ एएमयू ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के सचिव इलाहाबाद के हैं। दूसरा हमारे साथ मेरे बगल में बैठे हैदर अब्बास साहब हैं, जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष हैं, और इधर की जानिब मेरे साथ बैठे हैं सुनील चौधरी, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं और जिनको इलाहाबाद के एक एक लोग जानते हैं। इनके बहुत सराहनीय कार्य इलाहाबाद के लिए रहे हैं। और मेरे सामने मोहतरमा तरन्नुम बैठी हैं, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं, और इन्होंने भी अक्सर समाज के लिए हर तरह से अपना योगदान दिया है। तो मैं पहले हैदर अब्बास साहब से सवाल करूंगा कि हैदर अब्बास साहब, ये बताइए, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जल्दबाजी में जो एंटी रोमियो स्क्वाड को चला दिया गया? क्या ये मुनासिब है? क्या ये अधिकारों का हनन नहीं है, मौलिक अधिकारों का? ये जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नहीं, ये बहुत पहले होना चाहिए था। जब से ये यहाँ पे नेशनल हाईवे की घटना हुई है, उसके बाद से महिलाओं की सुरक्षा का मामला यहाँ पे गंभीर था, और हर स्कूल कॉलेज में आना जाना, रोड पे चलना मुश्किल हो गया था यहाँ पे गुंडों के द्वारा, गुंडों की वजह से, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा निर्णय स्वागत योग्य कदम है। नहीं, इसका कहीं आप देख रहे हैं, इसका काफी हद तक दुरुपयोग भी हो रहा है। दुरुपयोग करने वाला सजा मिल रही है, सजा दी जा रही है, सख्ती से आदेश दिया गया है। लोग आपके सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोग योगी जी की बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जगह जगह पे देखा जा रहा है, योगी जी कह रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून, और शासन से आदेश हो रहा, प्रशासनिक अमला जो है इस चीज को मानता नहीं है। पुरानी कहीं पे लड़कियों को खींचा जा रहा है। पुरानी आदतें छूटने में टाइम वक्त लगेगा, अभी नई नई सरकार है, अभी जो आदेश दिए जा रहे हैं पुराने अमला भी वही है, उनको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा अभी, लेकिन योगी जी के द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से बराबर दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। क्या सुनील चौधरी जी, आप ये अब्बास साहब की बातों से पूर्ण रूप से सहमत हैं? अब चूंकि आपकी सरकार है, बस मैं इस सरकार के माननीय मुखिया योगी जी से पूछना चाहूंगा कि रोमियो कहते इसको हैं? ये तो रहे शादी विवाह किया नहीं, संत है, महात्मा है, बहुत अच्छी बात है। रोमियो के नाम पे जो आज को एजुकेशन में बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या किसी भी कॉलेज में, क्या वो कहीं बैठ करके डिस्कस नहीं कर सकते हैं? क्या वो चल नहीं सकते हैं? नहीं, रोमियो नाम से आपको ऑब्जेक्शन है? हमें रोमियो के नाम से ऑब्जेक्शन है। ऑलरेडी एक वोमेन हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी पहले से जारी है, उसको उन्होंने प्रमोट क्यों नहीं किया? तो अगर वो नाम बदल देते हैं तो आप उनके इस्कार से सहमत हैं? नहीं, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस तरीके उस पर कॉल करें अगर किसी को आपत्ति है। ये पार्कों में जाएं, पुलिस एक्शन लें अगर कहीं उस तरीके से कोई गलत काम हो रहा। अगर दो लोग वहां भाई बहन बैठे हैं, कोई दो कपल बैठे हैं, तो किसी को राइट नहीं है। नहीं, किसी को राइट नहीं है। कहना सही है, कहीं कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन दुरुपयोग सिर्फ पुलिस कर रही है। हाँ। सिर्फ पुलिस कर रही है, धन उगाही का काम कर रही है, मारती है, पकड़ती है। वो जो छात्र पकड़े जा रहे हैं, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, इवन मैं भी अगर कल अभी मैं बैठूंगा और अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा, तो मेरे साथ भी वो बेइज्जत कर सकते हैं मुझे। ऐसा लोगों ने, पुलिस विभाग के लोगों ने किया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कह रहे हैं कि आप इसका सिर्फ दुरुपयोग हो रहा, कहीं इसका सदुपयोग नहीं है? क्या सदुपयोग है बताएं? नहीं, क्या बहन बेटियों के साथ अगर कहीं कोई लड़का लड़कियां हमारे आपके घर की जा रही हैं, उस पे कमेंट पास कर रहा है, अगर उस पे लोग आज किस महिला के पास, किस महिला या किस लड़की के पास मोबाइल नहीं है, या उसके घर के लोग नहीं है, या 100 नंबर डायल करना नहीं जानती, आज के इस युग में आप बता दें। क्या आप तरुन्नम जी इस बात से इनके सहमत है? नहीं, मैं इनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर लड़के लड़कियां हैं, कुछ भी डिस्कस करना है, तो वो अपने घर बुला लें, घर बुलाकर बातें करें, घर पर जो भी करना है क्लियर करें। ये रोड पर बैठकर, पार्कों में बैठकर जो गंदगी फैला रहे हैं, ये इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों सहमत नहीं है आप? ऐसी क्या दिक्कत है लड़के लड़कियों को ये छूट दे दी जाए? नहीं, लड़के लड़कियों को छूट ना दी जाए, लड़के लड़कियां दोस्तों के घर में बैठ के करें, ये पर्दे में अपने नहीं आता, मुस्लिम समाज में तो बिल्कुल नहीं आता है। मैं तो इस चीज से बिल्कुल समाज में, ये तो कोई भी संस्कार जो हिंदुस्तान के संस्कार है, ये कभी इन सब चीजों को पसंद नहीं करते हैं। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, योगी जी का तो फिर काम तो आप एप्रिशिएट कर रही हैं? नहीं, उनका काम मैं नहीं वो कर रही हूँ, लेकिन ये है कि उनका जो ये काम है वो बहुत अच्छा चल रहा है,
कहीं से वो बुरे नहीं है, उनके हर चीज जो भी वो इस टाइम कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। करें मिले जुले जो भी लड़के हैं लड़कियां हैं, राइट है, घर बैठ के करें। क्या कोई माँ बाप चाहेंगे कि मेरी जवान लड़कियां किसी लड़के से मिले जो ये पार्कों में जाकर कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं? यूसुफ साहब, ये संवैधानिक हनन नहीं है मौलिक अधिकार का, आप इसको किस दृष्टि से देखते? देखिए साहब, मैं चूंकि कानून से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मैं एक लीगल प्रैक्टिशनर हूं, मैंने जहां तक लॉ समझा है, कोई भी सरकार कोई कानून लाती है तो कानून बनाने के पीछे मंशा होता है। जी। ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड की बात आई, जी, ये बेशक मैं जहां तक समझता हूं इसलिए लाया गया कि जो सड़कों पे बहन बेटियां पढ़ाई करने जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, अपने काम से जा रही हैं, कितनी सर्विस में हैं, उनके ऊपर अगर कोई अश्लील जुमले कसे और उनके ऊपर कोई आपत्तिजनक कोई बात ऐसा करे और वो लड़की इस बात को एतराज़ करे वहीं के वहीं और वो इंटीमेट करे पुलिस को और ख़बर करे इमीडिएट किसी बड़े को, तो उस पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए और इससे लोगों के अंदर जो नौजवान लड़के हैं या और दूसरे लोग इस तरह के अश्लीलता को फैलाने वाले हैं उस पर अंकुश लगेगा। ये कानून बनाने का मंशा तो मैं समझ रहा हूँ ये है। जहाँ तक इसकी कानूनी हैसियत की बात है, देखिए कोई भी कानून बनता है तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ क्या संस्कृति है, क्या कस्टम है, क्या रीति और रिवाज है। हिंदुस्तान में हर तरह के मजहब के लोग रहते हैं, किसी के यहाँ पर्देदारी है। आज भी हिंदुस्तान के गांव में जाइए तो बहन बेटियाँ बिना किसी तफरीक इम्तियाज के कि किस मज़हब से हैं आज भी घूंघट निकाले रहती हैं। और इसमें जो जहाँ तक आर्टिकल 21 की बात मैं करूँगा कि कोई भी एडल्ट फ्रीली एक दूसरे से मिलने के लिए कोई उन पे आप रोक नहीं है, वो मिलें, लेकिन खुलेआम सड़क पर कुछ उनके आवभाव से ये ना लगे कि दूसरी बहनों के ऊपर उसका गलत असर पड़े। एडवोकेट हाईकोर्ट के साथ आप इंटेलेक्चुअल पर्सन भी, क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा मेन मुद्दों से भटका रही है इन सब चीजों की वजह से, चुनाव में किए गए वादों के? देखिए जी, आपकी बात मैं समझ गया। देखिए थोड़ा सरकार अभी आई है पिछले महीने और इस महीने में आज मेरे ख्याल से अभी 20 दिन भी नहीं हुए, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी भी हो जाएगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुद्दे तो तमाम हैं। ये मुद्दा इसलिए लाया गया कि हर आदमी इसको ये समझे कि हम ये सरकार बहुत एक्शन में है। इस ये कानून ये जो स्क्वाड एंटी रोमियो बना इसके पीछे थोड़ा सा ये सोचना चाहिए था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कई एक जजमेंट ऐसे दे रखे हैं कि हमारे दो जी काटजू साहब, जस्टिस काटजू साहब ने एक ये दिया, सुप्रीम दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसमें ये सारे बातें आई कि दो एडल्ट अगर दोनों बालिग हैं तो अपनी मर्जी से विद इन फोर वॉल वो रह सकते हैं और लिविंग रिलेशनशिप के लिए परमिटेड है। हाँ, ये देखने की जरूरत है, उसमें एक जगह कहीं आया है कि उसका असर सोसाइटी पे खराब ना पड़े, इसलिए ये बात खुलेआम नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी जरा पर्देदारी रखनी पड़ेगी। अब जहाँ तक सवाल है कि ये एंटी रोमियो का जो मिसयूज़ जो है, पहले तो मैं नाम से मुत्तफिक नहीं हूँ। देखिए शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, ये सब जितने पेयर जितनी कहानियाँ हम सुनते आए हैं इसमें कहीं अश्लीलता इनकी मोहब्बत में नहीं दिखती और ये आपस दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए मर गए, दुनिया से चले गए, एक पहाड़ खोदते खोदते मर गए और मुलाकात नहीं हो पाई, तो ये पाक मोहब्बतें हुआ करती थी। इसका नाम अगर कुछ ये सरकार बदल दे तो थोड़ा ज़्यादा मुनासिब होगा। रूम शेक्सपियर ने जो ये नावल वो ड्रामा लिखा रोमियो जूलियट, तो रोमियो जूलियट पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में इसको पढ़ा जाता है और इस पर नाटक लोग करते हैं। तो अब्बास साहब ये बताइए, वही सवाल मेरा आपसे भी है कि आप मुद्दों से नहीं भटका रहे हैं, आपकी पार्टी नहीं भटका रही है, किसानों के कर्ज माफ का सबसे बड़ा अहम मुद्दा था जिसको कि आपने एकदम नज़रअंदाज कर दिया, कहीं आप उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं? हमारे लिए सारे मुद्दे अहम थे,
हमारे सारे जो घोषणा पत्र था उसमें सारे मुद्दे हमारे लिए सब अहम है और उसमें तो महिला सुरक्षा से, नहीं महिला सुरक्षा भी उसमें एक मुद्दा था। समुदाय विशेष से आप बिलोंग करते हैं जी, आप उसके अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष हैं जी, आप बताएंगे कि आपके समुदाय विशेष के लिए आपकी सरकार की क्या नीतियाँ हैं, क्या प्रोग्राम है? सबका साथ सबका विकास, ये हमेशा सब शुरू से है, ये केंद्र सरकार का मोदी जी का नारा है, ये सबको साथ लेकर चलने का। क्यों आप इनसे सहमत हैं कि सबका साथ सबका विकास में मुसलमानों को भी इतना ही अहमियत दी जाएगी जितना दूसरे लोगों को दी जाएगी? नहीं, अब कह तो रहे हैं चुनाव जीतने के बाद तो हर व्यक्ति यही कहेगा क्योंकि उसको सरकार चलानी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है आज तो योगी जी मुझे नहीं लगता है। आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा एकदम निर्देश दिया है सख्ती से कि किसी भी समुदाय विशेष या जाति विशेष के साथ धर्म या उसके आधार पे कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। राजनीति इतनी गंदी हो गई है, कहते कुछ है होता कुछ है। मोदी जी ने भी पहले भी कहा, योगी जी ने भी कहा, लेकिन चुनाव आते आते कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं तो यह बहुत ही प्रधानमंत्री जी का वो भी जुमला था। दूसरा जुमला ये भी था कि चुनावी शब्द अलग होते हैं और जब सत्ता में आ जाता आदमी तो उस वक्त के उसके शब्द अलग हुआ करते हैं, तो ये राजनीति का एक बदला हुआ चेहरा। लेकिन एक बताइए कि योगी जी से आपको नहीं लगता कि चेंज उत्तर प्रदेश में आएगा? बस वो हिंदुत्व की भावना को बढ़ाते हुए, अभी तक आपने देखा कि उनके जब उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद जी, क्या योगी जी के शब्दों से ऐसा प्रतीत हुआ आपको कि वो कहीं भी हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, अभी अब तो नहीं लग रहा, अभी चुनाव आने आते आते देखिएगा, अभी तो नहीं लग रहा है, अभी कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं, अभी तो सब कह रहे हैं कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे, चुनाव आते आते वो फिर ऐसे ही रंग बदलेंगे, ये तो गिरगिट हो चुके हैं पूरी तरीके से। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं बताइए, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के जरिए? अब हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि जो हमारी जनता की मूलभूत सुविधाएं जो मिलना चाहिए उस पर ध्यान दें, बूचड़खाना, एंटी रोमियो स्क्वाड, आए दिन मीडिया में बने रहना, क्या आप दिखाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए बूचड़खाना, मूलभूत सुविधाएं तो मिल नहीं रही है, आपने असंवैधानिक बंद है, नहीं अवैध बूचड़खाना बंद है, तो उसको क्यों इतना हाईलाइट किया गया? अवैध तो अवैध होता है ना, तो हाँ तो उसको तो नहीं हाईलाइट पब्लिक, आप बताइए अवैध रोका है कई जगह, आप देखिए इलाहाबाद में भी चल रहा है अभी भी जिनके पास अवैध सब्जी के ठेले लग रहे हैं खुलदाबाद चौराहे पे हमारे, वो भी कल को बंद कर देंगे, अवैध तो वो भी है ना, एक हम सभी लोग जाकर के सब्जी खरीदते हैं, वो ठेले अवैध हैं। क्या आज सब रिक्शे और जो छोटे छोटे जो व्यापारी क्या कह रहे हैं इस पे, ये ठेले अवैध बता रहे हैं जितने लगते नगर निगम से लाइसेंस होता है उसका, सब हर ठेले पे लाइसेंस लगा होता है। नहीं, 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 कहीं नहीं। अब जो अवैध होंगे वो पकड़े जाएंगे, नगर निगम इसका लाइसेंस देता है, अवैध गोमती ठेला सबका लाइसेंस होता है, सभी को वैध बनना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन तो नियम का पालन करने में क्या बुराई है, क्या बुराई है उसमें, करना पड़ेगा ना, उसमें बुराई क्या है, क्या बुराई है इसमें? पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो तरुणम जी, महिलाओं के लिए आपकी कोई खास मांग है योगी जी से बताइए, बताइए महिलाओं के बच्चियों के लिए क्या सुरक्षा के लिए आप क्या चाहती हैं, आराम से बोलिए। महिलाओं के लिए तो मैं ये चाहूंगी कि जैसे बच्चियां पढ़ रही हैं, पढ़ने के बाद उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब होना चाहिए, कहीं ना कोई रोजगार होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनको आपके हर तरह की फैसिलिटी पढ़ाई में, बिल्कुल फैसिलिटी चाहिए, जो गरीब बच्चे उनकी पढ़ाई के लिए उनकी फीस फ्री होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए, फर्क धार्मिक या किसी तरह, बिल्कुल उसमें कोई फर्क ना होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबकी। लगता है कि योगी जी एक ऐसे आदमी को सत्ता मिली है कि जो इस काम को पूरा करेंगे? नहीं, मुझको तो पूरी उम्मीद नजर आ रही है, जितना कि अभी उनको आए हुए 12 दिन हुए हैं और उस हिसाब से जिस तरह से देश में विकास हो रहा है तो लगता है कि हमारे देश में चेंजिंग आएगी। और यूसुफ साहब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी डिमांड है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से? देखिए उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का बहुत बड़ा सूबा है और हर मज़हब के और हर फिरके के लोग रहते हैं, जैसे और हिंदुस्तान के सूबों में रहते हैं। मैं योगी जी से इतना कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम उनका प्रयास ये होना चाहिए कि देश की और सूबे की एकता बनी रहे, मज़हब कोई ऐसा कदम
गलती से भी ना हो जो किसी एक फिरके को या एक मजहब को बुरा लगे और उसकी दिल शिकनी हो। ये दायित्व सिर्फ आप योगी जी पे क्यों सौंप रहे हैं? आप पे भी बनता है। देखिए वो मेरे मेरे पे भी है। मैंने हम आप सहयोग देंगे जब हम लोग यहाँ जब यहाँ आने से पहले मैं अपनी बात बता दूं। यहाँ आने से पहले अभी हमारी बात हैदर साहब से सुनील साहब सबसे हो रही थी कि भाई देखिए हम एक दूसरे को मजहब के एतबार से समझें, हमारे मजहब में क्या है, हमारी जिम्मेदारी आपको बताना है, आप हमें समझाएं, ठेस ना पहुंचे। और जब एक जब आप एक दूसरे की का आदर करेंगे, एक दूसरे के मजहब की कदर करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई यहाँ पे भ्रांतियां रह जाएंगी। और एक एक आदमी मिल के जब चलेगा तभी शायद ये बात सिद्ध हो पाएगी। ताज़ा खबरों को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.worldmediatime.com। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर भी, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर भी, और आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के।